विद्रोही कवि और कई मामलों के आरोपित वरवरा राव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जेल से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 80 वर्षीय राव का राज KST रिसॉर्ट अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यहां उनको भर्ती किया गया था। अब अधिकारियों ने बताया कि कोरोना का इलाज करने के दौरान पता चला है उनकी हालत स्थिर है, लेकिन वह न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित JJ अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट ने उनका चेकअप किया, जिसके बाद पता चला है कि वह डेलिरियम बीमारी से पीड़ित हैं। डेलिरियम मन की एक गंभीर रूप से परेशान अवस्था है। इसमें इंसान को बेचैनी, भ्रम और असंयमता होने लगती है। यही नहीं, इसमें बुखार और डिसऑर्डर जैसी समस्या भी देखी जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें प्राइवेट नानावटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं जॉर्ज अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि COVID-19 के इलाज के दौरान वरवरा की छाती का एक्सरे और ECG ठीक थी। इसके साथ ही उनका CT स्कैन कराया गया था।